हिंदी में रामायण और उसके नाट्य रूपांतर को घर घर में लोकप्रिय बनाने वाले पंडित राधेश्याम कथावाचक का पुण्यतिथि पर भावपूर्ण स्मरण। राधेश्याम कथावाचक का जन्म उत्तर प्रदेश में बरेली के बिहारीपुर मोहल्ले में 25 नवंबर 1890 को हुआ था। उनके पिता पंडित बांकेलाल गायन तथा संगीत के जानकार थे। पिताजी की इच्छानुसार राधेश्याम जी इसी दिशा में आगे बढ़े। वे मुख्यतः रामायण और महाभारत को ही आधार बनाकर कथा कहते थे। अहिंदी भाषी प्रांतों में वे अधिक जाते थे, इस प्रकार उन्होंने इन क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार प्रसार किया। उनके समय में पारसी नाटक कंपनियां अंग्रेजी और फारसी प्रेमाख्यान पर आधारित नाटकों का प्रदर्शन करके धन कमाया करती थीं। इसका लोक रुचि पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। ऐसे में राधेश्याम जी ने ऐसी कंपनियों द्वारा अभिनय करने के लिए पौराणिक आख्यानों के आधार पर सुरुचिपूर्ण नाटकों की रचना की। उन्होंने नाटक में सुधार और परिष्कार कर नारद की भूमिका को विशेष रूप से सब नाटकों में जोड़ा। पंडित राधेश्याम कथावाचक को असली प्रसिद्धि राधेश्याम रामायण से मिली। जब वह प्रकाशित हुई तो उसकी धूम मच गई। उन्होंने रामायण की कथा को खड़ी बोली पद्य के द्वारा कई खंडों में लिपिबद्ध किया। राधेश्याम रामायण में वर्णित नैतिक मूल्यों को जनसाधारण तक पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदी भाषी क्षेत्र में दशहरे से पूर्व होने वाली रामलीलाएं उसी आधार पर होने लगी। इसके बाद भी वे कथा वाचन से जुड़े रहे, क्योंकि उन्होंने प्रारंभ इसी से किया था। वे कथावाचकों के जीवन में सादगी और पवित्रता के पक्षधर थे। उन्होंने स्वयं ऐसा ही जीवन जिया। उनके उपदेशों का श्रोताओं पर गहरा असर होता था। इसी प्रकार देश धर्म और हिंदी की सेवा करते हुए 26 अगस्त 1963 को बरेली में ही उनका देहांत हो गया।